नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टाइबेटा लोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव नरंजन इसी उम्मीद के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर हम आज बात करने आए हैं आपसे शिक्षक पात्रता परीक्षा मुख्य परीक्षा, जिसको उत्तर प्रदेश में हम सभी लोग सुपर टेट के नाम से जानते हैं, इसके लिए बैच संचालित हो रहा है, उसमें हमारे ऊपर सैकड़ों बच्चों ने विश्वास जताया है। इसी उम्मीद के साथ विश्वास जताया गया है कि जिस प्रकार हमने TET में उनके लिए मेहनत की थी और लगभग 90% हमने रिजल्ट दिया, उसी प्रकार सुपर टेट में जोड़कर हम उससे भी अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं। और इसके लिए आलोक सर और रवि सर के कुशल निर्देशन में हमारी टीम लगी हुई है, व्यवस्थित रूप से क्लासेस चल रही है। जो भी सदस्य पेड बैच के हैं वो आपको बता सकते हैं कि कितनी ईमानदारी पूर्वक क्लासों का संचालन किया जा रहा है। आइएगा, उसी क्रम में मैं आपको भूगोल और पर्यावरण पढ़ाऊंगा। और आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जहां से एग्जामिनर 1 से 2 प्रश्न जरूर बनाता है, भारत की मृदाओं से। किससे? भारत की मृदा। तो आइएगा भारत की मृदा को समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि मृदा किसे कहते हैं, मृदा जिसको इंग्लिश में सॉयल कहा जाता है, मृदा, तो धरातल की सबसे ऊपरी परत, जिसमें कृषि संबंधित कार्य किए जाते हैं, उसे मृदा कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं भारत की मृदा की, तो एक हमारा संगठन है जिसका नाम है ICAR। हमारा संगठन कौन सा? ICAR, इंडियन एग्रीकल्चर, रिसर्च काउंसिल, ठीक ना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। अगर हम हिंदी लिखते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो दिल्ली में है। और इसी परिषद के द्वारा या इसी संस्थान के द्वारा भारत की मृदाओं का विभाजन किया गया, भारत की मिट्टी को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया। और 8 भागों में यहां से जो मिट्टी को बांटा गया उसमें कौन कौन सी मिट्टी है, आइएगा एक एक से क्रम से देखते हैं। तो एक मिट्टी है जिसका नाम है जलोढ़ मृदा, उसके बाद दूसरी मिट्टी लाल या पीली मृदा, उसके बाद काली मृदा, के बाद अगला आइएगा लैटेराइड मृदा, ठीक ना, लैटेराइड मिट्टी के बाद पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा के बाद वनीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा के बाद एक और मृदा रह जाती है जिसका नाम है पीट मृदा। कौन सी मिट्टी है? पीट मृदा। ये 8 मिट्टी पाई जाती है, ठीक ना बाबू। जैसे जैसे आप जलोढ़ मिट्टी से पीट मिट्टी की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे जलोढ़ मृदा से पीट मृदा की ओर जाएंगे आप, तो इन मिट्टियों का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में कमी आती है, ये जो 4 मिट्टियां हैं, ये शुरुआत की जो 4 मिट्टियां हैं, ये भारत में अधिक मात्रा में पाई जाती है, अधिकांश क्षेत्रफल में पाई जाती हैं, इसलिए इनको एक नाम दिया जाता है, मेजर सॉयल। और ये 4 मिट्टियां जो है भारत में कम क्षेत्रफल में पाई जाती हैं, और कम क्षेत्रफल पाए जाने के कारण इनको एक नाम दिया जाता है माइनर सॉइल।
तो एक मेजर मतलब मुख्य मृदा है और माइनर सॉइल मतलब गौण मृदा है। मुख्य मृदाओं जिनका अधिकांश क्षेत्रफल है भारत में, और गौण मृदा जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक ना, इसी प्रकार से बनाइएगा एक। चलिए हम एक एक से मिट्टी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम जिस मृदा को आपको समझा रहे हैं, जलोढ़ मृदा, आइए। और इसको समझने से पूर्व अगर आप हमारे बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक छोटी सी प्रक्रिया है। ये हमारा नंबर है 9125423936। ठीक ना, 9125423936। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सुपर टेट इंट्री लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है? सुपर टेट इंट्री लिखकर आप मैसेज करेंगे, आपको एडमिशन की प्रक्रिया बता दी जाएगी और आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। आइएगा आप समझते हैं मृदाओं को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा। सबसे पहले किस मिट्टी की बात करते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। यहां देखिएगा, पढ़ाने का तरीका और समझने का कोशिश करिएगा। यहां पर एक शब्द है जलोढ़। जलोढ़ को हम दो भागों में बांट दे रहे हैं, एक जल है और दूसरा ओढ़ है। एक जल है और दूसरा क्या है? तो दूसरा ओढ़ है। जल का अर्थ क्या होता है? तो पानी। और ओढ़ का अर्थ होता है प्रवाहित होना। अब बताइएगा पानी कहां पर प्रवाहित होता है, तो जल कहां पर प्रवाहित होता है? तो जल प्रवाहित होता है नदी में। जल कहां प्रवाहित होता है? नदी में। आप ये नहीं कह सकते सर सागर में पानी प्रवाहित होता है। सागरों में, महासागरों में पानी प्रवाहित नहीं होता है। पानी आता है और आके फिर से लौट जाता है। प्रवाहित होने का मतलब है कि पानी आया और एक बार चला गया, दोबारा वो पानी कभी वापसी नहीं करेगा, उसे प्रवाहित होना कहते हैं। ठीक ना, अब बताइएगा नदी में पानी प्रवाहित होता है। अगर मैं आपके लिए एक नदी बनाऊं तो मान लीजिएगा ये नदी बह रही है इस प्रकार से, तो नदी में क्या होगा? इस नदी में जल पाया जाएगा। इस नदी में यहां पर क्या है? तो इस नदी में यहां पर जल पाया जा रहा है। इस नदी में यहां पर क्या पाया जा रहा है? तो इस नदी में यहां पर जल पाया जा रहा है। ठीक ना, समझिएगा अच्छे से, यहां पर जल पाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि नदी, कोई भी नदी अकेला जल लेकर प्रवाहित नहीं होती। कोई भी नदी अकेला जल लेकर प्रवाहित नहीं होती, वो जल के साथ साथ, वह जल के साथ साथ कई सारे अवसादों को भी लेकर प्रवाहित होती है। जैसे नदी में पानी के साथ साथ रेत भी होगी, रेत के साथ साथ कंकड़ भी होंगे, साथ ही साथ बालू होती है। देखिए रेत, कंकड़, बालू ये सब अलग है, जो मैंने क्रम से लिखा है ये बहुत महीन होती है, उससे मोटा, उससे मोटा। ठीक ना, इसी में कीचड़ होता है, कीचड़, कीचड़ को चीका भी बोलते हैं। तो इन सभी के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, और इन सभी के लिए एक शब्द यूज कर दिया गया अवसाद। इन सभी के लिए एक शब्द यूज कर दिया गया, क्या शब्द यूज कर दिया गया? शब्द यूज कर दिया गया अवसाद। तो नदी अवसादों को लेकर प्रवाहित होती है। नदी क्या होती है? नदी अवसादों को लेकर प्रवाहित होती है, और यह क्या करती है? इन अवसादों को एक स्थान पर आकर छोड़ देती है। अवसादों को एक स्थान पर आकर क्या कर देती है? छोड़ देती है। तो नदी जिस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, ऐसे मान लीजिएगा नदी ऐसे प्रवाहित होती रहेगी, और एक स्थान पर आकर, एक स्थान पर आकर यह अवसादों को क्या कर देती है? एकत्रित कर देती है। नदी के द्वारा अवसादों को एकत्रित करने की प्रक्रिया को, नदी के द्वारा अवसादों को एकत्रित करने की प्रक्रिया को एक नाम दिया गया, और नाम दे दिया जाता है निक्षेपण। क्या नाम दिया जाता है? नाम दे दिया जाता है निक्षेपण। तो नदी के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से, निक्षेपण का मतलब बहाकर लाए गए जो अवसाद है उनको एक स्थान पर रोक देना, और रोक देने की प्रक्रिया को ही क्या नाम दे दिया गया? निक्षेपण। तो नदी के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जिस मिट्टी का निर्माण होता है, उस मिट्टी को क्या कहा जाता है बाबू? उस मिट्टी को नाम दिया जाता है जलोढ़ मृदा। क्या नाम दिया जाता है? उस मिट्टी को नाम दिया जाता है जलोढ़ मृदा। तो अगर पूरी डेफिनेशन लिखें तो नदी के द्वारा बहाकर लाए गए, नदी के द्वारा बहाकर लाए गए, नदी के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से, अवसादों के निक्षेपण से निर्मित, अवसादों के निक्षेपण से निर्मित। ठीक ना, तो अवसादों के निक्षेपण से निर्मित जो मिट्टी होती है, उसी मिट्टी को क्या नाम दे दिया जाता है?
निर्मित मृदा को क्या नाम दिया जाता है? निर्मित मृदा को नाम दिया जाता है जलोढ़ मृदा। क्या नाम दिया जाता है? नाम दिया जाता है जलोढ़ मृदा, ठीक ना, जलोढ़ मृदा इसको नाम दे दिया जाता है, ठीक ना। चलिए बनाइएगा, ठीक ना, देखिएगा, ठीक ना। अभी बताइएगा, अगर हम आपसे बात करें कि जलोढ़ मिट्टी भारत में कहाँ पाई जाएगी, तो भारत में जलोढ़ मिट्टी हर एक क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में जलोढ़ मिट्टी हर एक क्षेत्र में पाई जाएगी। आमतौर पर उस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जहां पर नदियां प्रवाहित होती हैं, और नदियां पूरे भारतवर्ष में प्रवाहित होती हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा, मान लीजिएगा एक नदी जा रही है, मान लीजिएगा एक नदी बह रही है, कोई भी नदी अकेले प्रवाहित नहीं होती है, कोई भी नदी अकेले प्रवाहित नहीं होती है, यह नदी अपने साथ कई सॉरी कोई भी नदी अकेले प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि उस नदी की कई सारी सहायक नदियां होती है। मान लीजिएगा ये मुख्य नदी जा रही है, ये मुख्य नदी है, इस नदी में कई सारी नदियां आकर मिल जाएंगी, इस नदी में कई सारी नदियां आकर क्या हो जाती हैं, कई सारी नदियां आकर मिल जाती हैं। तो नदी और उसकी सहायक नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को नदी का अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे एक नाम दिया जाता है, नदी का अपवाह क्षेत्र। तो नदी जहां से प्रवाहित होकर बहती हैं, उस क्षेत्र को नदी का अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? नदी के अपवाह क्षेत्र में पाई जाएगी। साथ ही साथ जब कोई नदी सागर या महासागर में गिरती है तो अपने डेल्टा का निर्माण करती है। जब कोई नदी सागर या महासागर में गिरती है तो डेल्टा का निर्माण करती है, और इसके डेल्टा में भी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? इसके डेल्टा में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी अपवाह क्षेत्र में और साथ ही साथ डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। साथ ही साथ कहाँ पाई जाती है? डेल्टा क्षेत्र। और डेल्टा क्षेत्र में पाए जाने के कारण जलोढ़ मृदा को एक नाम और दे दिया गया, और जलोढ़ मृदा को नाम दे दिया जाता है कौन सी मिट्टी? डेल्टाई मृदा। कौन सी मिट्टी? डेल्टाई मृदा। तो डेल्टा क्षेत्र में पाए जाने के कारण डेल्टा क्षेत्र में, और अगला पॉइंट हो जाएगा डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाने के कारण डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसे डेल्टाई मृदा भी कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? इसे डेल्टाई मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टाई मृदा भी से कहते हैं, ठीक ना। अब समझिएगा, अगर हम बात करें जलोढ़ मृदा की, जलोढ़ मृदा की बात हो ही रही है, तो जलोढ़ मिट्टी में रेत, कंकड़, बालू, इनकी अधिकता है, बालू की अधिकता है, रेत कंकड़ बालू की क्या है? अधिकता है। और इनकी अधिकता के कारण ही इसकी पानी धारण करने की क्षमता, पानी धारण करने की क्षमता, पानी धारण करने की क्षमता क्या होती है? पानी धारण करने की क्षमता इसकी अधिक होती है। हम जब भी देखिएगा हमारी टीचिंग में, जब भी हम ऐसा ऊपर की ओर एरो लगाएं तो इस ऊपर की ओर एरो का मतलब है अधिक, ठीक ना, और नीचे को एरो लगाएंगे तो समझना आपको कम। तो इस मिट्टी की पानी धारण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि इसमें रेत पाई जाती, कंकड़ क्या करते हैं, पानी को अवशोषित कर लेते हैं। अब बताइएगा, इसकी यदि पानी धारण करने की क्षमता अधिक है, मतलब इसमें नमी अधिक मात्रा में पाई जाएगी। क्या अधिक मात्रा में पाई जाएगी? नमी। और जब यदि इसमें नमी अधिक मात्रा में पाई जाएगी तो हम इसमें ऐसी फसलों को उगाएंगे जिन्हें अधिक मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। हम ऐसी फसलों को उगाएंगे जिनमें अधिक मात्रा में जिन्हें नमी की आवश्यकता होती है, जैसे चावल हो गया आपका, जैसे गेहूं हो गया आपका, जैसे गन्ना हो गया आपका, चावल गन्ना गेहूं, जैसे सब्जियां हो गई आपकी, सब्जियां, ठीक ना, और साथ ही साथ सब्जियों के साथ साथ और क्या हो गया? चावल है, गेहूं है, गन्ना है, सब्जी है, और पश्चिम बंगाल में जूट की खेती की जाती है। क्या जूट? आप देखते होंगे जिसमें हमारी चीनी वगैरह आती है, बोरी या बोरा जिसको बोलते हैं, वो जूट का बना होता है, ठीक ना। बनाइएगा इसको बनाइए। चलिए अगला पॉइंट, ये हमारा नंबर है सुपर टेट का
3936। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं हमारी टीम के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हैं रवि सर और आलोक सर के कुशल निर्देशन में, तो इस नंबर पर आपको 9125423936 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सुपर टेट इंटरव्यू लेकर सेंड कर देना है। एडमिशन का पूरा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, ठीक ना। आइएगा आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा की अगर हम प्रकार की बात करें तो जलोढ़ मृदा के प्रकार, ये जो जलोढ़ मृदा के प्रकार की बात हो रही है, ये जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक का नाम है खादर और दूसरी का नाम है बांगर। एक का नाम क्या है? एक का नाम खादर है और दूसरी का नाम बांगर है, ठीक ना। पहले मैं फ्लोचार्ट से समझाता हूँ फिर आपको समझाऊंगा, या पहले मैं नदी के माध्यम से समझाता हूँ, डायग्राम से समझाता हूँ। मान लीजिएगा बाबू कोई नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, और नदी क्या हुई, नदी अपने साथ अवसादों को बहाकर लाई, और नदी ने अपने साथ जो अवसादों को बहाकर लाई इन अवसादों को यहाँ पर इसने छोड़ दिया। तो ये अभी अभी नया बहाकर आया अवसाद है, और जो नवीन अवसाद होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का अवसाद होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? खादर। तो ये जो नवीन है अभी 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 आया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है खादर। क्या मिट्टी, कौन सी मिट्टी है? खादर। उसके बाद ऐसा नहीं है कि नदी एक ही बार अवसादों को बहाकर ले आएगी, नदी बार बार अवसादों को बहाकर लाती है, फिर से नदी क्या की, नदी धीरे धीरे पानी बह के आया, फिर से अवसादों को बहाकर लाई। अब मान लीजिएगा नदी ने यहाँ पर अवसाद एकत्रित कर दिए, यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से यहाँ पर आया है। तो अब जो येलो कलर से बनाए हैं, अब बताइएगा येलो में और ग्रीन में कौन नवीन कौन पुराना? तो ग्रीन वाला पुराना हो गया और येलो वाला नवीन हो गया। तो जो नवीन है इसको हम क्या नाम दे देते हैं? खादर। और अब ग्रीन जो है ये प्राचीन हो चुका है, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? इसको हम एक नाम दे देते हैं बांगर। मतलब नदियों के द्वारा बहाकर जो लाया गया नया जलोढ़ होता है उसको हम खादर कहते हैं, और नदियों के द्वारा जो जब नया जलोढ़ एकत्रित हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे जो पुराना जलोढ़ बनता है उसी को क्या नाम दिया जाता है? उसी को नाम दिया जाता है बांगर। उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसको एक नाम दिया जाता है, बांगर, ठीक ना। तो समझिएगा इसको, तो खादर क्या है? खादर जो है वो नवीन जलोढ़ मृदा होती है, दूसरी पॉइंट इसमें यह है कि खादर मिट्टी जो है वो नदी के क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर नदी प्रवाहित हो रही होगी, नदी के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल एकदम किनारे तटीय क्षेत्र में पाई जाएगी, ठीक ना। उसके बाद अगला पॉइंट ये हो जाएगा कि अगर ये नदी के तटीय क्षेत्र में पाई जा रही है तो नदी के तटीय क्षेत्र में पाए जाने के कारण यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना अधिक हो जाएगी, ठीक ना। तो बाढ़ आने की संभावना यहाँ पर अधिक होगी, अभी बताइएगा जब यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना अधिक होगी तो बाढ़ में क्या होता है? पानी होता है, पानी जब आएगा तो अपने साथ नए नए अवसादों को बहा कर लाएगा और उन अवसादों को एक स्थान पर आकर छोड़ देगा। जब उन अवसादों को एक स्थान पर आकर छोड़ देगा तो कौन सी मिट्टी का निर्माण हो जाएगा? नए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी एक और पॉइंट की, जो खादर मिट्टी होती है ये अधिक उपजाऊ होती है, एकदम नवीन नवीन होती है, इसके पहले इसमें खेती नहीं की जाती, तो जब इसमें पहली बार खेती की जाती है तो इसकी उपज अपेक्षाकृत अधिक होती है। यही कारण कि आपने नदी के क्षेत्रों में देखा होगा, जहाँ पर नदी के क्षेत्रों में देखा होगा छोटे छोटे से खेत बना लेते हैं लोग, जिसको कछार बोलते हैं या कछाई बोलते हैं, तो कछाई में सब्जी वब्जी का उत्पादन करते रहते हैं, उसकी उत्पादकता बहुत अच्छी होती है, ठीक ना। तो अधिक उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ मिलता है, क्या है ये? अधिक उपजाऊ मिलता है, ठीक ना। अब देखिएगा जब एक खादर प्राचीन हो जाती है
तो इसको क्या नाम दिया जाता है, बांगर। यानी बांगर क्या है, तो बांगर जो है वो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है। जब खादर पुरानी हो जाएगी तो बांगर क्या है, प्राचीन जलोढ़ मृदा है। क्या है, प्राचीन जलोढ़ मृदा है। क्या है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है। ये नदी के तटीय क्षेत्रों में पाई जा रही, तो बांगर क्या होगी, नदी के तटीय क्षेत्रों से दूर होगी, नदी के तटीय क्षेत्रों से कहां पाई जाएगी, दूर पाई जाती है, दूर पाई जाती है। नदी के तटीय क्षेत्रों से कहां पाई जाती है, दूर पाई जाती है। यहां पर अगर ये नदी के तटीय क्षेत्रों से दूर है तो क्या यहां पर बाढ़ आने की संभावना होगी, तो यहां पर बाढ़ आने की संभावना नहीं होती है। बाढ़ आने की संभावना नहीं, तो यहां पर बाढ़ आने की संभावना कम होती है, नीचे रोना है कम। अब बताइएगा, यदि प्राचीन है लगभग, इसमें बार 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 फसलों का उत्पादन होता रहता होगा, तो बार बार फसलों के उत्पादन होने के कारण यह कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ मृदा है। क्या है, एक कम उपजाऊ मृदा, ठीक ना। एक खादर और बांगर दो मिट्टी हमने बनाई है, इसी प्रकार से आपको याद रखना होगा, इसी प्रकार से आपको याद रखना होगा। बना लीजिए जल्दी से। चलेगा, तो ये आपकी पहली मिट्टी हुई अभी तक जलोढ़। जलोढ़ के बाद अगली मिट्टी देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, हमने बता दिया। अगर आप किताबों को देखेंगे तो किसी किताब में 45, किसी में 45, किसी में 46, किसी में 42% ऐसा लिखा मिलता है। तो आपको आंकड़ा याद नहीं रखना है, आपको केवल ये बात याद रखनी है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है, दूसरे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है, इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिएगा, दूसरी मिट्टी जो हमारी है, जो भारत में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है, लाल मृदा। और कहीं कहीं पर इसका रंग पीला दिखाई देता है, तो इसीलिए इसे लाल या पीली मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल या पीली मृदा। समझिएगा, अगर हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाएंगे, अगर हम बात करते हैं मृदा, तो मृदा का निर्माण जो होता है वो चट्टान के टूटने फूटने से होता है। यानी मौसम में परिवर्तन के कारण जब चट्टान टूट फूट जाती हैं तो उनसे मिट्टी बन जाती है, इसलिए चट्टानों को मिट्टी का जनक कहा जाता है। इसलिए चट्टानों को मिट्टी का क्या कहा जाता है, मिट्टी का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें लाल मिट्टी के निर्माण की, तो लाल मिट्टी का जो निर्माण है, लाल मिट्टी का निर्माण जो है वो ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान से हुआ है। ग्रेनाइट और ग्रेनाइट के साथ साथ नीस, लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान के द्वारा होता है। ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान, ग्रेनाइट और नीस चट्टान के द्वारा होता है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगर हम बात करें इसके रंग की, तो इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग लाल होता है, और लाल रंग का कुछ ना कुछ कारण होगा। तो इस मिट्टी का रंग लाल इसलिए है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड की अधिकता होती है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। फेरिक ऑक्साइड की अगर बात करें तो Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3, ठीक ना। उसके बाद अगर हम इसके क्षेत्र की बात करते हैं, लाल मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, तो लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है तो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती है, बुंदेलखंड पठार पर पाई जाती है, बुंदेलखंड प्लेटू पर, छोटा नागपुर पठार पर पाई जाती है, छोटा नागपुर पठार। तो बुंदेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत मात्रा में तेलंगाना पठार पर पाई जाती है, तेलंगाना के क्षेत्र में पाई जाती है। अगर हम बात करें लाल मिट्टी के उत्पादन की, किसकी बात करें, अगर बात करें लाल मिट्टी के उत्पादन की, लाल मिट्टी में किसका उत्पादन किया जाता है, तो याद रखिएगा लाल मिट्टी में दो प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, एक का नाम है मोटे अनाज और एक का नाम है दलहन, सॉरी मोटे अनाज और मोटे अनाज को ही दलहन फसल बोलते हैं, और साथ ही साथ तिलहन फसल। दलहन फसल ऐसी फसलों कहा जाता है जिससे हमें दालों की प्राप्ति होती है, और तिलहन फसलें ऐसी फसलों कहा जाता है जिससे हमें तेल की प्राप्ति होती है। तो अगर हम इसके उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ों का उत्पादन होता है, एक
मोटे अनाज और मोटे अनाज को ही क्या नाम दिया जाता है, दलहन फसल। मोटे अनाज को ही क्या नाम दिया जाता है, दलहन फसल। जैसे जैसे आपका ज्वार हो गया, जैसे आपका बाजरा हो गया, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जैसे आपका मक्का हो गया, जैसे आपका चना हो गया, जैसे आपका मटर हो गया, और क्या हो गया, जैसे आपका सोयाबीन, सोयाबीन हो गया, ठीक ना। और दूसरे तिलहन फसल। तिलहन फसल ऐसी फसलों को कहा जाता है जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है। तिलहन फसल ऐसी फसलों को कहा जाता है जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है। जैसे सरसों हो गई, तिल हो गया, जैसे क्या हो गया, सरसों, तिल, जैसे सरसों हो गया, सरसों के अलावा क्या हो गया, तिल हो गया, अलसी, सरसों, तिल, अलसी, और क्या होता है, सोयाबीन, सोयाबीन हो गया, और सोयाबीन के बाद क्या हो गया, सूरज, सूरजमुखी, क्या हो गया, सूरजमुखी, ठीक ना। चलिए बना लीजिएगा इसको जल्दी से। ये आपकी कौन सी मिट्टी है, ये आपकी लाल मिट्टी, बाबू ऐसे ही याद रखना है, आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, बस इतना प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे। उसके बाद देखते हैं हम लाल मिट्टी के बाद काली मृदा। लाल मिट्टी के बाद काली मृदा, काली मिट्टी के अगर हम निर्माण की बात करते हैं तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा होता है। काली मिट्टी का निर्माण किनके द्वारा हुआ, बेसाल्ट चट्टान। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अगर हम बात करें इसके रंग की, अगर हम इसके रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग काला होता है। और काले रंग का कुछ ना कुछ क्या होगा, तो काले रंग का कुछ ना कुछ कारण है। और काले रंग का कारण क्या है, तो काले रंग का कारण है इसमें टिटेनी फेरस लवण की अधिकता पाई जाती है। टिटेनी फेरस क्या पाई जाती है, टिटेनी फेरस लवण की अधिकता, किसकी अधिकता पाई जाती है, तो इसमें टिटेनी फेरस लवण की अधिकता पाई जाती है, ठीक ना, काली मिट्टी में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं काली मिट्टी का क्षेत्र, कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी का अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो काली मिट्टी का क्षेत्र है आपका मालवा पठार। कौन सा पठार, मालवा, मालवा पठार, और कौन सा पठार है, बुंदेलखंड। मालवा पठार हो गया, मालवा पठार के अलावा कौन सा है, बुंदेलखंड पठार हो गया, तो मालवा है, मालवा के अलावा बुंदेलखंड है, सॉरी बुंदेलखंड नहीं, बुंदेलखंड तो लाल में है, मालवा पठार हो गया। उसके बाद दक्कन पठार हो गया, दक्कन पठार, और दक्कन पठार के साथ साथ, दक्कन पठार के साथ साथ आपका कर्नाटक का क्षेत्र, कर्नाटक के क्षेत्र में पाई जाती, कर्नाटक क्षेत्र, ठीक ना। अगर बात करें काली मिट्टी में उत्पादन किसका होता है, उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को एक नाम दिया जाता है, और उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को नाम दिया जाता है रेगोर मृदा। क्या नाम दिया जाता है, उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को एक नाम दिया जाता है रेगोर मृदा। क्या नाम दिया जाता है, रेगोर। अगर हम इसके उत्पादन की बात करते हैं, इसमें उत्पादन किसका अधिक होता है, तो सबसे अधिक इसमें उत्पादन होता है कपास का। कपास का उत्पादन होने के कारण इसको एक नाम और दे दिया गया, नाम दे दिया गया कपासी मृदा। क्या नाम दे दिया गया, कपासी मृदा। कपास के अलावा इसमें खट्टे फल जैसे अंगूर है, अंगूर है, जैसे नींबू है, जैसे नाशपाती है, नाशपाती है, जैसे आंवला है, इन सब की क्या की जाती है, आंवला, इन सब की क्या की जाती है, इन सब की कृषि की जाती है। और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आंवला अधिक होता है, और उत्तर प्रदेश में आंवला अधिक होने का कारण क्या है, तो उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का नाम क्या है, तो काली मिट्टी का नाम है रेगोर मृदा। काली मिट्टी का नाम क्या है, तो काली मिट्टी का नाम है रेगोर मृदा, ठीक ना। चलिएगा, इतना हो गया। इसके बाद देखिएगा
काली मिट्टी की विशेषता ये है कि काली मिट्टी में यदि जल की अधिकता हो जाती है, काली मिट्टी में यदि जल की अधिकता हो जाती है तो यह अत्यंत चिपचिपी हो जाती है, अत्यंत क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं, और सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं, और सूखने पर जब इसमें बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसमें रोटावेटर चला कर इसकी जुताई कर दी हो, लेकिन ऐसा करता कोई नहीं है बल्कि प्रक्रिया अपने आप होती है, इसलिए इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। कौन एक नाम है इस मिट्टी का, और यहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ ऐसे बना दे रहा हूँ, इस मिट्टी में मैं फिर से समझा रहा हूँ, जल की अधिकता होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं, और बड़ी बड़ी दरारें बनने के कारण ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसमें हल चला के इसकी जुताई कर दी गई हो, लेकिन ऐसा करता कोई नहीं है, प्रक्रिया अपने आप होती है, और अपने आप प्रक्रिया होने के कारण ही इस मिट्टी को एक नाम दे दिया गया, और नाम दे दिया गया स्वतः जुताई वाली मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा। स्वतः जुताई वाली मृदा कौन सी है, तो स्वतः जुताई वाली मृदा जो है वो आपकी काली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है, वो आपकी काली मिट्टी होती है, ठीक ना, जल्दी बनाए, ठीक ना। देखिएगा एक मिट्टी आपकी और है अभी, इसको और पढ़ लीजिएगा, लेटराइट मृदा, एक सुपरटेट के लिए पढ़ा रहा हूं मैं आपको, लेटराइट मृदा। अगर लेटराइट मृदा की बात करें तो यहां पर एक शब्द है और यहां पर एक शब्द है लेटेरा, कौन सा शब्द है, लेटेरा, और लेटेरा जो है वो एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, किसका शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और अगर इसकी बात करें कि लेटेरा का अर्थ क्या है, तो इस लेटेरा का अर्थ है ईंट के समान कठोर, ईंट के समान कठोर, अर्थात एक ऐसी मिट्टी जो ईंट के समान कठोर हो, अर्थात एक ऐसी मिट्टी की बात हो रही है जो ईंट के समान कठोर हो। तो लेटेराइट मिट्टी की अगर बात करें, लेटेराइट मिट्टी का अगर बात करें क्षेत्र कहाँ पाई जाती है, या क्षेत्र नहीं, पहले हम बात करें कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, तो जहाँ पर वर्षा औसत से अधिक होती हो, औसत से अधिक होती हो, वर्षा औसत से अधिक होती हो। अब अगर हम बात करें वर्षा औसत से अधिक कहां होती है, तो वर्षा औसत से अधिक कहां होती है, पश्चिमी घाट, कहां होती है, पश्चिमी घाट, और कहां होती है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और मेघालय। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और मेघालय के क्षेत्र में वर्षा औसत से अधिक होती है। तो होता क्या है कि मान लीजिएगा ये आपका खेत है, ये नीचे की कठोर सतह है और ये ऊपर आपकी उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी अपेक्षाकृत मुलायम होती है, उपजाऊ मिट्टी अपेक्षाकृत क्या होती है, मुलायम होती है। जब यहाँ पर बादलों का निर्माण होगा, जब यहाँ पर बादल बनेंगे तो यहाँ पर वर्षा होगी, क्या होती है, यहाँ पर वर्षा होती है, और जब यहाँ पर वर्षा होती है तो वर्षा होने के कारण मिट्टी की ऊपर की परतों का धीरे 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 क्या हो जाता है, कटाव हो जाएगा। और जब मिट्टी की ऊपर की परतों का कटाव हो जाता है तो नीचे की जो कठोर परतें वो सतह पर आ जाती हैं, और वह कठोर परतें इतनी कठोर होती हैं जैसे ईंट कठोर होती है, वह नीचे की परतें जो हैं वो इतनी कठोर होती हैं जैसे ईंट कठोर होती है, इसलिए उसको एक नाम दे दिया गया, ईंट के समान कठोर मिट्टी, अर्थात लेटराइड मिट्टी, ठीक ना। तो अर्थात कौन सी मिट्टी, लेटराइड मिट्टी। अब यहाँ समझिएगा, तो वर्षा अगर औसत से अधिक होती है, तो औसत से अधिक वर्षा होती है, इससे क्या होता है, मृदा की ऊपर की परतों का कटाव हो जाता है, मिट्टी की ऊपर की परतों का कटाव हो जाता है। कौन सी मिट्टी कहाँ पर, लेटराइट, ठीक ना। अगर हम बात करें कि लेटराइट मिट्टी में किसका उत्पादन किया जाता है, तो लेटराइट मिट्टी में उत्पादन किया जाता है आपकी चाय का, चाय के अलावा किसका, कॉफी का, चाय है, कॉफी है, और साथ ही साथ मसाले। तो यहाँ पर चाय, कॉफी और मसाले का क्या किया जाता है, उत्पादन। अगर हम मानचित्र बनाएं तो मानचित्र ये रहा, ये आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है वाला, और ये वाला पश्चिमी घाट है। यहाँ पर पश्चिमी घाट पर एक राज्य है, इस राज्य का नाम है केरल।
बताइएगा केरल पश्चिम घाट पर है या नहीं है। बिल्कुल है सर, वर्षा अधिक होती है कम होती है, अधिक होती है। अगर अधिक वर्षा होती है तो कौन सी मिट्टी मिट्टी के ऊपर की परतों कटाव हो जाता है, और जब मिट्टी के ऊपर की परतों कटाव हो जाएगा तो कठोर मिट्टी बन जाती है। उस कठोर मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, लैटेराइट मृदा के नाम से जानते हैं। और इसी में किसकी खेती की जाती है, मसाले की, ठीक ना। किसकी कृषि की जाती है, तो इसमें कृषि की जाती है आपके मसाले की कृषि की जाती है, ठीक ना बाबू। अब देखिएगा हमने जो आपको पढ़ाई थी मृदाएं, देखिएगा पहले ये हमारा नंबर है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 9125423936 पर आप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको एडमिशन की प्रोसेस बता दी जाएगा। देखिएगा मैंने आपको जलोढ़ पढ़ाई, लाल पढ़ाई, काली पढ़ाई, लेटराइट, यही मिट्टी हैं जो भारत के अधिकांश क्षेत्रफल में पाई जाती हैं, घटते हुए क्रम में लिखा है। उसके बाद ये मिट्टी है, ये इनको नहीं पढ़ाया जाता है और ना ही एग्जामिनर उनको पूछता है। पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाएगी, मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, वनीय मिट्टी वनीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी को हम लवणीय मृदा भी कहते हैं। पीट या दलदल मिट्टी होती है, ऐसे स्थानों पाई जाएगी जहां पर लंबे समय से पानी एकत्रित हो। तो आज हमने चार मिट्टी पढ़ी है, इसके आगे की प्रक्रिया आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये हमारा सुपर टेट का नंबर है, अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं, तो आइएगा हमारे साथ जुड़िएगा और हमारे साथ अपनी विजय यात्रा पर निकल जाइएगा, ठीक ना। थैंक यू, फिर मिलते हैं।